जागरूक क्षेत्र है अंबिकापुर विधानसभा, अगर सबसे ज्यादा आए हैं तो मैं कहूँगा सबसे जागरूक क्षेत्र। मतलब पाटन जागरूक नहीं, वहाँ से एक ही आवेदन आया है। कवासी लखमा क्या जागरूक नहीं, उधर से एक ही आवेदन। वहाँ दूसरे प्रकार की जागरूकता है। इसमें मुख्य रूप से जो पद्धति कांग्रेस ने अपनाई कि आप ओपन करिए इसको, कि आवेदन किसी को देना है तो ये ना हो कि भाई वहाँ बाबा ने रोक दिया, वहाँ भूपेश भाई ने रोक दिया, वहाँ कवासी ने रोक दिया, वहाँ किसी और ने रोक दिया, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, ऊपरी ऊपर सेटिंग हो गई, ऊपरी ऊपर जुगाड़ हो गया, हमको तो मौका ही नहीं मिला बात रखने का। तो खुला और पारदर्शी कर दिया कि जिनको एप्लीकेशन देना है आप एप्लीकेशन दें, फिर जो हमारी संगठन की इकाइयाँ हैं वो उसकी समीक्षा करके अपनी राय को देंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में जो 307 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संगठन है उसमें कार्यकर्ताओं का अच्छा उत्साह नज़र आया है, दावेदारों का उत्साह नज़र आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक में जाकर आवेदन दिए हैं। डीएस सिंहदेव जी अंबिकापुर के ब्लॉक कांग्रेस को आवेदन सौंपे हैं और चरणदास महन जी अपने क्षेत्र में दिए हैं और सभी विधायक और नेताओं ने भी अपने अपने ब्लॉक क्षेत्र में आवेदन किया। साथ में जो और भी जो दावेदारी करना चाहते हैं उन्होंने भी दावेदारी प्रस्तुत की है और निश्चित तौर पर एक अच्छा उत्साह पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का दिखा है। लगभग 1000 के भीतर आवेदन आने की संभावना है जो 90 विधानसभा क्षेत्र उनमें, और उसमें अब प्रक्रिया चल रही है कि पैनल्स बनेंगे, पैनल के बाद सभी आवेदन आएंगे और निश्चित तौर पर एक अच्छा उत्साह कार्यकर्ता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी, और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। ये अभी जो दावेदारी करने की जो प्रक्रिया है वो कम पूर्ण हुई है और अब उस दावेदारी के आवेदन मिलने के बाद जो उसकी जो प्रक्रिया है उसको तिथिवार तय किया गया। उस तिथि में तय हो के वो जिला कांग्रेस कमेटी के पास आ जाएगा, जिला कांग्रेस से प्रदेश पे आएगा, प्रदेश के बाद वो AICC को जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सितंबर माह के पहले हफ्ता में हमारी पहली सूची आ सकती है।